अनुष्का दिहान इस्यू बोलें दायित्व नीते ना पारले सन्तान जन्म दिएछेन केन। सम्प्रति चांचल्यकर घटना राजधानीर कलाबागाने मास्टारमाइंड स्कूल शिक्षार्थीर संगे घटे जावा घटनाटिके पूर्णांग क्राइम उल्लेख करे पुलिशेर महापरिदर्शक आईजीपी डॉक्टर बेनजिर आहमेद बोलेछेन बर्तमाने किशोर गैंग एकटा बड़ समस्या हये दाड़ियेछे। आमरा चाइ ना तारा ड्राग निये नष्ट हये जाक। विषयगुलोर प्रति परिबारेर सचेतन होते हबे, एटा आपनादेर दायित्व। अभिभावकदेर दायित्व निते हबे। परिवारेर दायित्व तार सन्तान कोथाय जाय कि करे तार खोज रखा, नियंत्रण रखा। दायित्व ना निते पारले सन्तान जन्म दिएछेन केन, एटा अभिभावकेर सामाजिक दायित्व, धर्मीय दायित्व। 11 जानुआरी राब सदर दफ्तरे राब सेवा सप्ताह उपलक्षे मेधावी और प्रतिबंधी शिक्षार्थीदेर शिक्षा सहायता प्रदान अनुष्ठाने आईजीपी एई कथा बोलेन। पुलिश महापरिदर्शक बोलेन कलाबागानेर घटना पूर्णांग क्राइम, हत्या हयेछे, धर्षण हयेछे, किन्तु तारा दुइजोनई किशोर। आमादेर आईने तारा शिशु। आमादेर आधुनिक आईन दरकार। किशोरदेर जेले राखा जाबे ना, थाना हाजते रखा जाबे ना, मोबाइल कोर्टे देवा जाबे ना। ताहले आमरा तादेर राखबो कोथाय? प्रोविशन अफिसार कतजन आमादेर? कोथाय तारा? अनेकेई जाने ना। एगुलो ना हवा पर्यन्त ना आमरा कि विचार करबो, ना थेमे थाकबो। किशोर गैंग कलचार प्रतिरोधे आमादेर सामाजिक आंदोलन गड़े तुलते हबे। आमादेर शिशु संशोधनागार बा कारेक्शन सेंटर करे देन। अनुष्ठाने उपस्थित शिक्षार्थीदेर उद्देश्ये आईजीपी बोलेन शिक्षार उद्देश्य निजेके परिशोधित करा, भालोमन्द चिनते हबे, असत्संग त्याग करते हबे, बंगबंधुर जन्मशतबार्षिकीते देशप्रेमेर चर्चा करते हबे। रैब महापरिचालक चौधुरी आब्दुल्ला आल मामुन बोलेन मुजिबवर्ष उपलक्षे आमादेर अनेक कार्यक्रम ग्रहणेर परिकल्पना थाकलेओ अतिमारिते ता असम्भव हयनि। रैब महापरिचालक चौधुरी आब्दुल्ला आल मामुन बोलेन मुजिबवर्ष उपलक्षे आमादेर अनेक कार्यक्रम ग्रहणेर परिकल्पना थाकलेओ महामारीते ता सम्भव हयनि। 2000 शिक्षार्थीके शिक्षा सहायता देওয়া হবে। जेएचसिर शिक्षार्थीदेर 5000, एसएससिर शिक्षार्थीदेर 10000 और अन्यान्य श्रेणीर असच्छल शिशुदेर 3000 टाकार शिक्षा सहायता देওয়া হচ্ছে। रैबের अतिरिक्त महापरिचालक অপারেশন কর্নেল তোফায়েল আহমেদ বলেন শিক্ষার্থীদের একটি করে ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে একটি এলইডি লাইট, কলম, পেন্সিল ও বঙ্গবন্ধু রোজনামচা সহ বেশ কিছু বই রয়েছে। জেএসসি এইচএসসি মিলিয়ে 25 শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয় 1 জানুয়ারি থেকে র‍্যাব সেবা সপ্তাহ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মসজিদে দোয়া মাহফিল, রক্তদান কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে সপ্তাহ পালিত হয়েছে।